गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे लेसन नंबर 6 एट द सर्कस, यानी कि सर्कस के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। द कमला ग्रेटवे सर्कस वाज इन अवर सिटी, यानी कि कमला ग्रेटवे सर्कस हमारे शहर में था। दे पिच्ड ए वेरी लार्ज टेंट एट गांधी पार्क, उन्होंने क्या किया था कि गांधी पार्क में एक बहुत ही बड़ा टेंट लगाया हुआ था। इन द मिडिल ऑफ द टेंट, टेंट के बीच में, देर वॉज एन एम्प्टी रिंग, यानी एक खाली रिंग या गोला था। अराउंड द रिंग, रिंग के चारों तरफ, देर वर सीट्स फॉर द ऑन लुकर्स, यानी दर्शकों के लिए सीट पड़ी हुई थी। क्या पड़ी हुई थी? सीटें पड़ी हुई थी जिससे कि जो दर्शक हैं, देखने वाले हैं, वो आएंगे और सर्कस को देखेंगे। द सीट्स हैड बीन सो अरेंज, यानी जो कुर्सियाँ या सीट्स थी वो इस प्रकार से उनको अरेंज किया गया था या व्यवस्थित किया गया था। दैट एवरी ऑन लुकर्स, की प्रत्येक जो दर्शक है कुड सी द शो गोइंग ऑन इन द रिंग, यानी रिंग में जो भी सर्कस चल रहा है वो प्रत्येक व्यक्ति को दिखाई दे। वी टुक अवर सीट्स, हम अपनी सीट पर बैठ गए। द सर्कस बैंड वाज प्लेइंग स्वीट ट्यून्स, यानी कि जो सर्कस था वो सर्कस बैंड था वो मीठी ध्वनि बजा रहे थे। एग्जैक्टली एट 6 PM, ठीक ठीक 6 बजे, द सर्कस स्टार्टेड, यानी कि सर्कस शुरू हो गया। एट फर्स्ट, सबसे पहले, 7 elephants entered द रिंग, यानी उस रिंग में 7 हाथी आए। द एलिफेंट्स वर ब्यूटीफुल डेकोरेटेड, जो हाथी थे बहुत ही उनकी सजावट थी बहुत ही सुंदर थी। द रिंग मास्टर, यानी कि जो रिंग मास्टर था, ड्रेस्ड स्मार्टली, यानी उसकी जो ड्रेस थी बहुत ही सुंदर अच्छी थी। इंटर्ड बिफोर द एलिफेंट्स, वो हाथियों के पहले प्रवेश किया। ही हैड ए लॉन्ग व्हिप, उसके हाथ में एक बहुत ही बड़ा क्या था, चाबुक था। इन हिज हैंड, उसके हाथ में, ही स्मैट द व्हिप, यानी वह जो चाबुक था वह मारता था। इट वॉज ए कमांड फॉर एलिफेंट्स, यानी वह क्या करता था, जिससे हाथियों को कमांड करता था कि उन्हें क्या क्या करना है। द एलिफेंट्स स्टूड ऑन देयर हाइंड लेग्स, यानी जो हाथी थे वो अपने पिछले पैरों पर खड़े हो गए। दे बिगन टू डांस, उन्होंने नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। दे मूव्ड देयर लॉन्ग ट्रंक्स टू एंड फ्रो, यानी उन्होंने जो उनकी लॉन्ग लंबी लंबी जो सूंड थी उसे आगे पीछे किया। आफ्टर शोइंग सम फीट्स, कुछ जादू दिखाने के बाद, द रिंग मास्टर बो टू द ऑन लुकर्स, यानी जो रिंग मास्टर था उसने दर्शकों की तरफ झुका। देन द एलिफेंट्स बोट, उसके बाद जो हाथी थे वो भी दर्शकों की तरफ झुके या सलाम किया। एंड लेफ्ट द रिंग, और उसके बाद रिंग के बाहर चले गए। देन, उसके बाद, केम इनटू द रिंग ए टॉल स्लिम एंड वेल ड्रेस्ड गर्ल, यानी एक लंबी और पतली लड़की रिंग में प्रवेश करती है। सी सोन लाइक एन एंजल, वह एक परियों की तरह दिखती थी। सी वाज ए गुड एक्रोबेट, यानी वह एक अच्छी कलाकार थी। सी स्टूड ऑन द लैडर, वह सीढ़ी पर खड़ी हुई थी। एंड थ्रू कप्स, यानी कप फेंक रही थी। एलॉन्ग विद सॉसर्स, और जो प्लेट थी, इन द एयर, हवा में। द सॉसर्स एंड कप्स केम बैक एंड लैंडेड ऑन हर हेड इन द ऑर्डर, यानी जो कप और प्याले थे वो ऑर्डर में, पहले प्याला फिर कप फिर प्याला फिर कप, इस तरीके से उसके सर पर रख रहे थे। हर वायलेंस, उसके जो संतुलन था, एंड एक्यूरेंस, और बिल्कुल एक्यूरेंस जो कप और प्लेट का था, इम्प्रेस द ऑन लुकर्स, यानी जितने भी वहाँ के दर्शक थे सभी को बहुत ही प्रभावित किया। तो बच्चों, इसका जो नेक्स्ट पार्ट मिलेगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।